सो गाइज आज है 15 सितंबर और अभी बजे हैं रात के 9:30 और अभी मैं जा रही हूँ डिनर के लिए, क्योंकि ये डिनर का जो प्रोग्राम है ये अचानक बना है। मिथुन ऑफिस से आए हैं और मुझे फ़ोन करके बोला कि रेडी हो जाओ, और मैंने ऑलरेडी खाना बना भी ली थी पर पता नहीं क्यों। तो अब से मैं सीधा मिलती हूँ मेरे कार में, क्योंकि अभी मैं और बात किया तो और भी लेट हो जाऊँगी और जाके शायद कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते। ओह अच्छा, सबसे पहले मैं मेरे ड्रेस को आपको दिखा दूँ, क्योंकि सलवार कमीज में आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो। रोड के दोनों साइड में जो शॉप्स होते हैं वो भी लगभग बंद हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली फूड कोर्ट में, क्योंकि इस टाइम में मैं कोई भी रेस्टोरेंट में हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं, मॉल के जो फूड कोर्ट होते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स में अभी तक शायद मिलेगा, पर क्या है कि जावे खाने वेज वेज ओके, पर कुछ जगह पे अभी तक शायद मिलेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत दूर है मेरे घर से, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि इतना दूर जाए बस डिनर के लिए। तो मेरे घर के सामने जो मॉल है वहाँ पे ही, जो फूड कोर्ट है वहाँ पे हम जा रहे हैं, उसका नाम भी आपको पता होगा, एलिमेंट्स मॉल, उसके पास मैं रहती हूँ। तो बस मिलते हैं मॉल में। सो अभी हम मॉल से भी बाहर निकल आए, क्योंकि वहाँ पे भी जितने वहाँ पे फूड कोर्ट में जितने भी अच्छे अच्छे सब फूड के दुकान थे सब बंद हो गए हैं, और कुछ तो अभी खुला है पर ठीक ठाक कुछ फूड मुझे नहीं मिला। तो अभी हम जा रहे हैं इंदिरा नगर पे एम्पायर है, और एम्पायर बहुत अच्छा फूड मिलता है वहाँ पे, और वो लेट नाइट तक वो ओपन रहता है। तो पर मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए हमने वहाँ जाने का रिस्क पहले नहीं ली थी, पर अभी जब कोई हुए नहीं है तो अभी हमें तो जाना पड़ रहा है। बट रियली वहाँ का जो फूड है awesome, awesome। डिनर कंप्लीट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाके फिर केक भी कट करना है। तो अभी हम घर आ गए हैं और ये रहा मेरा बर्थडे केक, और अभी टाइम हुआ है, अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, उसके बाद हम केक कट करेंगे। और गाइज ये ब्लॉग बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि कल के साथ इसको मैं कनेक्ट नहीं करूंगी, कल का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी, कल हम करेंगे पार्टी। तो आज के साथ कल का जो वीडियो है वो मैं कंटिन्यू, मतलब आज का वीडियो मैं कल तक कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि कल मैं सुबह से शुरू करूंगी मेरा कल जो भी मेरा प्लान है वो सब कुछ मैं सुबह से शुरू करना चाहती हूँ। और आज का ये बस छोटा सा एक ब्लॉग था जो एक।
आज का जो ये छोटा सा एक सरप्राइज था, तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज का वैसे तो मुझे कोई प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर जब रात 9 बजे जब मुझे सरप्राइज मिला तो मैं मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा इस चीज़ को तो आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। और कल का मेरा जो ऑलरेडी प्लान है वो है कल का, क्योंकि कल ही एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि कल सुबह से मैं अपना दिन स्टार्ट करूँ आप लोगों के साथ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Oh. মামার মুখে মাখি দি। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा केक वैसे का वैसा ही है, क्योंकि खाने का हिम्मत नहीं हो रही है, सबका पेट भरा हुआ है। इसको हम कल एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल हम घर में पार्टी करेंगे, कल हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे पर घर में बाहर जाके नहीं, क्योंकि बाहर जब बाहर अगर मैं जाती हूँ तो इतना अच्छी तरह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। घर में जितना एंजॉय कर पाते हैं, घर में अब आराम से बैठ के टीवी देखते हुए खाना खा सकते हैं, आप लोगों से मैं बात कर सकती हूँ, पर जब भी मैं बाहर जाती हूँ या कोई रेस्टोरेंट पे ये वगैरह, यहाँ पे इतनी मतलब कंफर्टेबल मैं नहीं होती हूँ शूट करने के लिए। तो मैं इस बार सोचा कि बाहर जाके हम जो डिनर करते हैं बर्थडे पे, वो तो आज हमने कर लिया है, तो कल मैं घर में रहूँगी सारा दिन। और हाँ, ऑब्वियसली कल सैटरडे है, तो कल तो मुझे मॉल में जाना है, क्योंकि एक ड्रेस मेरे ऑल्टरेशन के लिए है, तो उसको लेने जाऊँगी और फिर घर आके हम करेंगे पार्टी। सो एक्चुअली गाइज, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक एक वीडियो में, एक एक चैनल्स में तो कितने सारे वीडियोस है ही, पर एक एक वीडियो में कितने सारे कमेंट्स होते हैं, और हर किसी के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, और आप लोग तो बहुत अपसेट हो रहे हो, मुझे पता है आप लोग ऐसे मुझे कमेंट भी कर रहे हो कि आप लोग बहुत अपसेट हो, मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूँ। आप समझ सकते हो कि तीन तीन चैनल्स को मेंटेन करना, उसके लिए वीडियोस बनाना, उसके बाद मेरे घर को संभालना और बिना मेट के एक घर संभालना, उसके बाद आर्यन, ये सब चीज़ों को मिला के बहुत मुश्किल हो रहा है कि हर एक कमेंट का जवाब देना, पर जितना हो सकता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब है आपके कमेंट का कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत एक 4-5 लाइन के लिखने वाले कमेंट का जितना वैल्यू है मेरे पास, आपके एक छोटे से कमेंट का भी उतना ही वैल्यू है मेरे पास, पर क्या है कि हर टाइम ये नहीं हो पाता कि जवाब देना। और हाँ, आपका सवाल था कि मैं तो एक मेड अफोर्ड कर ही सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं ले रही हूँ, तो इसका ऐसे एक्चुअली बहुत सारे सवाल आए थे पहले से, तो आज तक इसका जवाब मैंने नहीं दी, पर आज मैं दे रही हूँ कि मैं जो यहाँ पे रहती हूँ, मैंने मेड सर्च नहीं किया, ऐसा नहीं है। अच्छा, जस्ट डायल, या जस्ट डायल से हमने मेड सर्च किया था, यहाँ पे तो नहीं मिला, वो तो अलग बात है, हमने जस्ट डायल से भी सर्च किया था, पर इस एरिया में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये है एक रेजिडेंशियल एरिया, और इस एरिया में ये फ्लैट्स जहाँ पे बहुत सारे मतलब फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स एरिया में बहुत सारे मेड आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे हर कोई हाउस वाइफ है, तो घर में काम करने वाली की इतनी मतलब मेड्स का इतना भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कोई कुक भी यहाँ पे नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि अगर मेड नहीं मिलते तो मैं एक कुक ही रख लेती हूँ, ताकि कुछ तो हेल्प हो जाए, पर कुक ना ही कोई कुक मिल रहा है और ना ही कोई मेड मिल रहा है, और मुझे जो 2-3 मेड मिले यहाँ पे वो लोग इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी तक नहीं समझते, एक वर्ड हिंदी का नहीं समझते, वो लोग सिर्फ कन्नड़ा समझते हैं, और जो मुझे नहीं आता, और इस वजह से मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे
एक बंदा है जो हर रोज आके मेरे कार वॉश करता है, उसको भी हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ कन्नड़ आता है। और अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को अगर कुछ भी उसको बोलना होता है तो ऐसे इशारों में ऐसे ऐसे करके वो समझाते हैं। वो 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आते हैं मेरे कार साफ करने के लिए, उस टाइम में ही उसको इतना समझाना पड़ता है इस चीज़ को ऐसे ना करो, ऐसे मत करो, ऐसे घिसता रहता है, तो ये सब करता है। तो मेरे घर का काम अगर मैं उसको समझा नहीं पाती हूँ तो मैं कैसे करवाऊँ उससे? तो यही प्रॉब्लम है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आता तो एक मेट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही कारण है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कंजूस हूँ या ऐसा कुछ, मैं दिखाने के लिए मेड नहीं रखी, देखो मैं कितना सुपर वूमन हूँ कि मैं सारे काम एक साथ कर लेती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे मायके में भी मेड है, मेरे ससुराल में भी मेड है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं भी यहाँ पे रख सकती हूँ, पर एक अच्छा मेड मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, आज तो हमने बहुत एंजॉय किया और अभी हम जा रहे हैं सोने, और आर्यन तो आके ऑलरेडी सो गया है, और फिर कल हम मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। तो मेरे ऑलरेडी कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आए हैं, एक्चुअली ये मैं आपको पहले भी दिखाई थी, और ये भी आए हैं, और कुछ स्किन केयर के भी आए हैं। एक्चुअली मैं अपना पूरा स्किन केयर ये रूटीन वगैरह जो है वो सब कुछ मैं चेंज कर रही हूँ। मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन, देन मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, ये सब कुछ मैं चेंज कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी हेयर के लिए वो भी कम्प्लीटली चेंज कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं वीडियो कुछ ही दिनों में मैं पोस्ट करने वाली हूँ प्रिवेंटिंग नेचुरल चैनल पे, तब वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिए। एक्चुअली सब अभी तक नहीं आए, बहुत सारे चीज़ें मैंने मंगवाए अभी अमेजन से, तो अभी जस्ट कुछ ही आए, ये आने में कितना टाइम लग जाएगा, उसके बाद तो कुछ चीज़ आ गए हैं, वो अभी तक मैं अभी मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। मतलब एक फाइल है हेयर केयर के लिए, तो एक फाइल मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, ये दूसरा फाइल है जो आए है, और स्किन केयर के लिए फर्स्ट चीज़ें है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, और ये हेयर केयर के ये जो सेकेंड फाइल है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, और उसके साथ और भी कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं मंथली 2 बार यूज़ करूँगी, ऐसा कुछ मतलब प्लानिंग्स है, मैं अभी इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो इसके लिए वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।